दिखाओ दिखाओ मुझको दिखाओ। राधिका लगता है संधि जी वगैरह आ गए और रसोई का सारा काम बाकी पड़ा है। तू जाकर जल्दी से तैयारियां कर, मैं बाहर देखती हूँ। जा जा जल्दी जा बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे हम आप सबकी। क्यों चाचा जी, सही कहा था ना मैंने घर के बारे में? बिल्कुल सही कहा था बहू। इतने छोटे से घर में रिश्ता जोड़ करके भाई साहब ने हमारी तो नाक ही कटवा दी। हम तो सोच रहे हैं हम यहाँ आए ही क्यों। माँ जी कहाँ है? माँ जी पीछे वाली गाड़ी में। शास्त्री जी, जी मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूं। जी सुशील। हाँ जी जी भाई साहब। ये हमारे चचेरे भाई हैं सुशील, कल ही आगरा से आए। अहो भाग हमारे जो आप हमारे घर पर आए। भाग तो हमारे खुल गए समधी जी। राधे कृष्ण। राधिका ये मुझे दे, तू अंदर जा। माँ जी लीजिए ना। शास्त्री जी कुछ नहीं थी, आप बैठिए बैठिए। मैं अरे नहीं नहीं आप बैठिए बैठिए बैठिए। देवकी ये चुनरी विशाखा के लिए है। अरे नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, ये जब फेरे होंगे तब के लिए है। माफ कीजिए माँ जी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। कोई बात नहीं। अरे हम तो कह रही हैं कि लड़की का मुंह मीठा करा दीजिए। सास के हाथ से मुंह मीठा करेगी तभी तो रिश्तों में मिठास आएगी ना। जी बिल्कुल। रजनी बेटा मिठाई ले आओ। अरे नहीं नहीं मिठाई तो हम अपने घर की खिलाएंगे। क्या वैशाली सिर्फ दो लड्डू? अरे भाई 8-10 खिलाओ तब तो जाके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। माँ जी ये खुद ही इतनी मीठी है। आई आई बैठ बैठ बेटा, विशाखा को अंदर ले जाओ। शास्त्री जी अगर बुरा न माने तो एक तो बात पूछें। नहीं नहीं अवश्य पूछिए।
भाई सभी माँ बाप चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर के कि शादी के बाद उनकी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी, है कि नहीं? पर आपको अपनी बेटी की फिक्र है? चिंता कैसी सुशील बाबू, मेरी बेटी तो बड़ी सौभाग्यशाली है जो ऐसे घर में बहू बनकर जा रही है। सौभाग्यशाली तो है, पर ये भी तो देखिए ना कि अब इतने छोटे गरीब घर में पली बड़ी लड़की जब इतने बड़े घर की बहू बनकर जाएगी वो तो घबरा जाएगी बेचारी। नहीं, क्या होता है, इंसान आदि होता है ना चीजों का, तो ना तो ये रुतबे की आदि है ना पैसों की आदि है, वो तो बौखला जाएगी बेचारी। परिवार में छोटी बहू से जो आशाएं थी वो उस पर खरी नहीं उतरेगी, है ना भाई साहब? बस करो सुशील, बस करो, बहुत हो गया। ऐसी बातें कह के तुम हमें समधी जी के सामने बहुत छोटा बना रहे हो। माफ कीजिएगा शास्त्री जी, दरअसल सुशील के कहने का मतलब ये नहीं था, उसने शब्दों का चयन गलत किया है। उसका कोई भी इरादा आपका दिल दुखी करने का नहीं था। बेटा भोजन तैयार है? जी माँ। चलिए भोजन कर लेते हैं। अगर अब तुम्हारा फोन नहीं लगा ना पूरब, तो सच कह रही हूँ तुम्हारा वो हाल करूंगी कि। हेलो, हाँ बोलो विशाखा। वो पूरब, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो ऑडिशंस का क्या हुआ? ऑडिशन? अब कोई ऑडिशन नहीं होगा, अब तुम सीधा अपने ड्रीम्स रोल की तैयारी करो बस। सच? लेकिन कब? बहुत जल्द, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी फाइनल मीटिंग करवाने वाला हूँ प्रोड्यूसर के साथ। इधर मीटिंग हुई और उधर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन। देखो पूरब, जो भी करना है जल्दी करो, यहाँ तो एक के बाद एक शादी की सारी रस्में होती चली जा रही हैं, और वो दिन दूर नहीं जब मैं शादी के मंडप में बैठी हुई मिलूंगी, और वो जो आग होती है ना जिसके आसपास फेरे लिए जाते हैं, उसी आग में मेरे हीरोइन बनने के सारे सपने जल के राख हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वीटीज, तुम वरीज करना बंद करो। ओके? मेरा एक कॉन्टेक्ट है, इसने दो दिन के अंदर ही प्रोड्यूसर के साथ फाइनल मीटिंग कराने का प्रॉमिस किया है। ओके, मैं बहुत जल्दी उससे मिलता हूँ। यू वेट एंड वॉच। वही कर रही हूँ पूरब, वही कर रही हूँ। ओके बाय। टेक केयर, बाय।